एक सी प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, एक फंक्शन दिया है और हमें ये बताना है कि जब फंक्शन को कॉल करेंगे विथ वैल्यू 435 तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ओके। साथ ही एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे रखी है जो कि दी गई प्रॉब्लम के सिमिलर है। फिर दी गई प्रॉब्लम को हम समझते हैं, देन उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे वर्क करना है, ओके। हमें एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, फंक्शन को कॉल करना है 435 से। इसका मतलब जो एन यू एम है, ओके, नम है, उसके पास 435 नाम की वैल्यू चली जाएगी। एक वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं एन यू एम, या दे दिया 435। अब जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर है फंक्शन के अंदर वो है इंट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है, काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं 0। अब यहाँ पे दिया है व्हाइल लूप, व्हाइल नम, ओके, मैं लूप चलता रहेगा, देखते अपन किस तरीके से व्हाइल नम, जो भी वैल्यू नम की हो, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, मीन्स वन से काउंट में इंक्रीमेंट होगा। यदि हम फंक्शन में देखें, फंक्शन रिटर्न भी काउंट ही कर रहा है, यानी काउंट की वैल्यू ही हमारा आउटपुट रहेगी, ठीक है, तो पूरा फोकस हमको काउंट पे रखना है। काउंट प्लस प्लस यानी काउंट की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 1। नम यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पे डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे जो नम के अंदर वैल्यू रखी हुई है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, केसी का यूज अलाउड है, नम में 435 रखा हुआ है, 2 से हमने डिवाइड किया, ये हो गया 217। लेकिन जो नम है वो इंटीजर है, 217.5 आंसर आया है, हम यहाँ पे क्या लेंगे ओनली 217, ओके। फिर से व्हाइल लूप चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ में, फिर काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट का वन से इंक्रीमेंट हो गया, वन से टू हो गया काउंट, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, फिर 2 से नम डिवाइड होगा, मैं अगेन केसी का यूज करता हूँ, ओके, 217 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए एग्जाम में कैलसी रहेगा स्क्रीन पे, है ना, तो 108, 108 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, अगेन काउंट का इंक्रीमेंट होगा क्योंकि नम है, 108 काउंट का इंक्रीमेंट होगा, 2 से काउंट कितना हो जाएगा 3, अगेन राइट शिफ्ट ऑपरेटर, नम को 2 से डिवाइड करना है, मैं करता हूं 108 को हम डिवाइड करते 2 से, ये हो गया 54। फिर से व्हाइल लूप चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ, काउंट प्लस प्लस, काउंट में 3 है, इंक्रीमेंट हो जाएगा काउंट का, ये हो गया 4, फिर नम राइट शिफ्ट ऑपरेटर है नम के अंदर, 2 से डिवाइड करना है अगेन 54 में, जब 2 से डिवाइड करेंगे, ओके, 54 को डिवाइड कर दो 2 से, 27, ठीक। वाइल लूप फिर से चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ, काउंट प्लस प्लस, 4 से काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, नम में राइट शिफ्ट ऑपरेटर है 2 से डिवाइड करेंगे, 27 को 2 से डिवाइड करना है, कर लेते हैं, 27 को 2 से डिवाइड किया, इंटीजर वैल्यू 13 आई है, ले ली हमने 13। फिर व्हाइल लूप चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ, काउंट का इंक्रीमेंट, काउंट 5 से हो जाएगा 6, नम में फिर से राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 13 से हो जाएगा नम की वैल्यू 6, नम की नई वैल्यू के साथ फिर से काउंट का इंक्रीमेंट होगा, 6 से काउंट हो जाएगा 7, नम में राइट शिफ्ट ऑपरेटर आएगा, 2 से फिर नम को डिवाइड करेंगे, 6 से नम हो जाएगा 3। व्हाइल लूप फ्री चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ, काउंट प्लस प्लस,
सेवन से काउंट हो जाएगा एट, और नम में फिर दो से डिवाइड करेंगे तो नम थ्री है, टू से डिवाइड करने पे हो जाएगा वन। व्हाइल लूप फिर से चलेगा नम की नई वैल्यू के साथ, फिर काउंट प्लस प्लस, एट से काउंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा नाइन, नम में फिर दो से डिवाइड करेंगे तो वन बाय टू यानी 0.5, यहाँ पे जीरो आ गया। अब नम में कितना है जीरो, तो जीरो के लिए व्हाइल लूप नहीं चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन क्या है, रिटर्न। रिटर्न क्या करेगा, काउंट, काउंट में रखा हुआ है नाइन, तो आउटपुट में हमें मिल गया नाइन। नाउ योर टर्न, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आपको वर्क करना है और आपको बताना है कि आपका आउटपुट क्या आया। एंड आपको इस तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट पे क्वेश्चन पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।